मैं खतीजा शेख बॉम्बे बॉम्बे से यहाँ पर आई हूँ। जब हम यहाँ पर हम लोग यहाँ पर घूमने आए थे, जब हम यहाँ पर आए कोरोना की वजह से हम बहुत बुरी तरह फंस गए, लेकिन ये यहाँ पर नज़ीर अहमद जिन्होंने हमें अपने घर में पनाह दी। हम बहुत परेशान थे, इन्होंने हमें हमारे अपने घर पे हमें इस तरह रखा, हमें महसूस भी नहीं होने दिया कि हम बाहर से आए हैं, और ये लोग हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं जावेद रशीद शेख मुंबई से। कश्मीर आए थे हम लोग कुछ तकरीबन 5 मार्च को, यहाँ घूमने के सिलसिले में आए थे। थोड़ा सोचा कि कश्मीर देखेंगे, वादियाँ देखेंगे, सिंस कश्मीर वादिये जन्नत है, यहाँ पे जन्नत माना जाता है कश्मीर को। लेकिन अनफॉर्चुनेट था पूरे वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए, कि कोरोना का इतना वायरस हो गया, उस वजह से पूरा लॉकडाउन किया, जो अच्छा डिसीजन था। लेकिन उस लॉकडाउन के चलते काफ़ी लोग फंस चुके थे और अभी भी काफ़ी लोग फंसे हुए। उन्हीं फंसे हुए लोगों में से एक हम लोग भी है, मैं और मेरी मॉम थे, यहाँ पे अकेले थे। जिस तरह यहाँ की फैमिली ने हमें एक्सेप्ट किया है, इन्होंने हमें रखा है, हमें घर में रखा है, हमें घर में ही नहीं अपने दिलों में पनाह दी है, जिस तरह इस फैमिली ने, कि इन्होंने इंसानियत का जो मुजाहरा दिखाया है वो हर इंसान को दूसरे इंसान के लिए दिखाना चाहिए। इस वक्त जब लोग परेशान हैं कोरोना को लेकर के, काफ़ी लोगों की कंप्लेंट आती है कि क्वारंटाइन है, लोग फंसे हुए हैं, तो लोग अगर फंसे हुए हैं और गवर्नमेंट की हेल्प जहाँ नहीं पहुँच सकती, वहाँ इंसान को उसकी हेल्प पहुँचाना चाहिए। हम अपनी फैमिली की तरह रख रहे हैं इनको, बहुत मज़ा फील अच्छा फील कर रहे हैं इनके साथ। मतलब लगता ही नहीं है कि ये टूरिस्ट है, मतलब कोरोना से पहले ये यहाँ पे आए थे, घूमने आए थे एक्चुअली, तो फिर कोरोना की वजह से फिर जब यहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो ये फंसे गए थे यहाँ पे। वो बोल रहे थे कि आप क्वारंटाइन में रहो यहाँ पे, पांपोर में एक जगह है, तो 15 डेज 14 डेज तक वहीं रहो। तो उन्होंने मना किया, तो उन्होंने इनको इन्वाइट किया अपने घर में लाया। तो फिर ये तब से, मतलब अभी तक ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, तब से इधर ही हमारे साथ रह रहे हैं।